वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। भारतीय शेयर बाजारों में आज जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और घरेलू स्तर पर यस बैंक और SBI में तगड़ी गिरावट ने भारतीय बाजार धराशायी कर दिए। सेंसेक्स 856 अंक की गिरावट के साथ खुला और कुछ ही सेकंड में 1459 अंकों तक गिर गया। वहीं निफ्टी 327 अंक की जोरदार गिरावट के साथ 10,942 अंक पर खुला। इस दौरान यस बैंक का शेयर महज एक मिनट में 82% टूट गया। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि इस बैंक के ग्राहक क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि यस बैंक का शेयर आखिर क्यों गिरा और उसका असर कहां कहां पड़ा। दरअसल 5 मार्च की शाम एक खबर आई। इसमें बताया गया कि यस बैंक के ग्राहक अपने खातों से एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। ये खबर आग की तरह फैल गई। देश के कई राज्यों में यस बैंक के ATM के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई, लेकिन पैसे निकलने बंद थे। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी काम नहीं कर रही थी। रात भर लोग परेशान होते रहे। निकासी की लिमिट का असर शेयर बाजार पर भी नजर आया और शेयर 82% तक टूट गया। यस बैंक से ट्रांजेक्शन लिमिट तय होने का असर UPI बेस्ड ऐप फोन पे पर भी पड़ा है। रात भर फोन पे का सर्वर डाउन रहा, जिससे कस्टमर्स परेशान होते रहे। हालात ऐसे हैं कि लोग पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल यस बैंक फोन पे का सबसे बड़ा पेमेंट पार्टनर है। इसके चलते यस बैंक क्राइसिस का असर उस पर भी नजर आ रहा है। यस बैंक क्राइसिस का असर म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ा है। कई म्यूचुअल फंड्स ने यस बैंक में रिडेम्पशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। वहीं यस बैंक के सबसे बड़े एक्सपोजर निपन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने भी 2,00,000 प्रति इन्वेस्टर के हिसाब से रिडेम्पशन रिक्वेस्ट लिमिट तय कर दी है। शेयर बाजार में आई हुई गिरावट को देखते हुए RBI ने बयान जारी किया है। RBI ने कहा, ग्राहकों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, उनके हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत RBI जल्द ही यस बैंक के विलय या उसके पुनर्गठन का प्रस्ताव लेकर आएगा। RBI का कहना है कि 30 दिनों में वह यस बैंक के भविष्य पर फैसला ले लेगा। इसके लिए SBI के CFO प्रशांत कुमार को यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। उन्हें ग्राहकों के बीच भरोसा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से यस बैंक में 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए डालने की भी खबर है। अगर आप यस बैंक के कस्टमर हैं तो समझ लीजिए कि क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। आपको याद होगा कि करीब 6 महीने पहले महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक PMC में भी ऐसी स्थिति बनी थी। शुरुआत में वहां 1,000 रुपए की लिमिट तय की गई थी, जिसे RBI ने बाद में बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया था। 3 अप्रैल 2020 के बाद यस बैंक की ट्रांजेक्शन लिमिट भी बढ़ने की उम्मीद है। आपको यह भी याद होगा कि बजट के दौरान मोदी सरकार ने बैंक में रकम फंसने पर 5,00,000 रुपए हर हाल में मिलने की बात भी कही थी। दरअसल ये बैंक खातों में जमा पर इंश्योरेंस गारंटी होती है, जिसका ऑप्शन कस्टमर्स के पास अब भी मौजूद है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि सरकार किसी बैंक को डूबने नहीं देती है। कुछ समय पहले निजी क्षेत्र का ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जब डूबने वाला था तो सरकार ने ही उसे बचाया था। दरअसल 2001 में केतन पारेख शेयर घोटाला सामने आने पर RBI ने जब GTB के खाते की जांच की तो उसका नेटवर्थ निगेटिव था। उस दौरान सरकार ने खाताधारकों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया था और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने इस बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। तो ये है यस बैंक के शेयर टूटने और ग्राहकों का पैसा फंसने की पूरी रिपोर्ट। इसमें हमने आपको बताया कि आपका पैसा किस तरह सुरक्षित है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यस बैंक से जुड़े पल पल के हालात जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।